जिनके साथ उन्होंने गठबंधन किया है और उनके मैनिफेस्टो में उन्हें लिखा है कि हम काका को लागू नहीं करेंगे, तो वही लोग तमिलनाडु में एक भाषा, असम में दूसरी भाषा, बंगाल में तीसरी भाषा बोल रहे हैं। जनता का आदर नहीं है, ये समझते हैं कि जनता बेवकूफ है, कि आजकल टीवी नहीं है, कि आजकल खबरें नहीं है, कि आपको पता नहीं चलेगा कि बंगाल में कुछ कह रहे हैं और असम में कुछ और कह रहे हैं। जब आपका जब का आंदोलन चला था असम में, तब कहाँ थे ये नेता? क्या आपके पास आए? क्या इन्होंने आपसे पूछा कि आप परेशान क्यों हैं? कोई नहीं आया आपके पास। आज चुनाव आ रहा है, सब आ गए, सब मंच पे खड़े हैं, सब असम की संस्कृति की बात कर रहे हैं, असम की समाज की बात कर रहे हैं। वही लोग जो सबसे बड़ा असम की संस्कृति को खत्म करने का काम कर रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये असम किसका है, बताइए किसका है? सुनाई नहीं दिया, जोर से कहिए, किसका है ये असम? यहाँ की संपत्ति किसकी है? यहाँ की नदियां किसकी हैं? यहाँ के जंगल किसके हैं? यहाँ के उद्योग किसके हैं? आपके हैं, ये आपकी संपत्ति है, ये समाज, ये संस्कृति आपकी है। बाहर से कोई भी आए, किसी भी पार्टी का हो, वो इस संस्कृति को नहीं बचाएगा जितना आप बचाएंगे। आप इस संस्कृति को बचाएंगे क्योंकि इस समाज को इस संस्कृति के आधार पर बनाया गया है और बनाने वाले आप हैं। तो जब आपके सामने ऐसे नेता आते हैं जो आपसे झूठ बोलते हैं, उनका कहना कुछ है, उनका करना कुछ और है, तो आप उनको पहचानिए, क्योंकि इस असम को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। आज असम में क्या हो रहा है, जो पूरे देश में भाजपा कर रही है, असम में भी कर रही है। जितनी भी आपकी संपत्ति है, सब इनके बड़े बड़े खरबपति मित्रों को बेची जा रही है। कल मैं ONGC में थी, ऊपर लिखा था ONGC असम एसेट, असम एसेट, असम की संपत्ति, उसको बेचने की साजिश आज चल रही है, BJP कर रही है। रिफाइनरीज को बेचने की बात हो रही है, आपका सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो आपकी संपत्ति है, जो आपने बनाया है, सरकारी पैसों से बनाया है, वो बिक चुका है इनके खरबपति मित्रों को। जो आपकी ऑयल फील्ड्स हैं, उनको बेचने की साजिश है। जो जो आपका है सब बेचना चाहते हैं, यहाँ तक कि यहाँ के चिड़ियाघर के जानवर भी ये अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों के बेटों के चिड़ियाघर में भेज रहे हैं। यहाँ से 2 ब्लैक पैंथर भेजे गए हैं, किस लिए, किसके थे? ये दिखाता है कि ये सोचते हैं कि सब कुछ उनकी जागीर है, किसी को भी बेच डाले, लेकिन ये किसी की जागीर नहीं है, ये प्रदेश आपका है। जो यहाँ सामने मेरी बहनें बैठी हैं, मेरे भाई बैठे हैं, आपका है। कांग्रेस आज आपके सामने खड़ी है, आपने कांग्रेस को परखा। ये लोग कांग्रेस का अपमान करते हैं, तरह तरह के बातें करते हैं, कहते हैं कि कांग्रेस ने असम को अपमानित किया, कि कांग्रेस की सरकारों ने असम को कमजोर बनाया। कांग्रेस ने आपको कैसी सरकारें दी? हितेश्वर साइकिया जी की सरकार दी, तरुण गोगोई जी की सरकार दी, क्या इन्होंने असम का अपमान किया कि असम को बनाया? क्या इन्होंने असम का अपमान किया कि असम को बनाया? इन्होंने असम को विकसित किया। तरुण गोगोई जी के समय में आप अखबार खोलते थे, आपको रोजगार के इश्तेहार दिखते थे। आज आपको कहा गया कि आपको 25 लाख रोजगार दिए जाएंगे, 5 लाख रोजगार भी नहीं दिए होंगे इन्होंने। 40 लाख नौजवान इस प्रदेश में बेरोजगार हैं। आपको कहा गया था कि आपके लिए बहुत काम किए जाएंगे, क्या किया? चुनाव आ रहा है तब आपको स्कूटर देने लग गए? आपको क्या चंदा देना चाहते हैं कि अपना आत्मसम्मान देना चाहते हैं? यहाँ का नौजवान आत्मसम्मान चाहता है, कमाई अपनी का चाहता है, रोजगार चाहता है, ताकि अपने पैरों पे खड़ा रहे, अपना भविष्य बनाए,
किसी की चंदा नहीं चाहता। तो स्पष्ट कर दीजिए आप कि आपको क्या चाहिए। जो भी नेता चाहे किसी भी पार्टी का हो, आपके सामने खड़ा हो, उससे पूछिए क्या किया है तुमने मेरे लिए, क्या करोगे तुम मेरे लिए, और क्या तुम मेरी संस्कृति को पहचानते हो, उसको मजबूत बनाओगे कि उसको कमजोर करोगे। भाजपा की सरकार ने आपको कहा था कि असमिया मुख्यमंत्री मिलेगा, आपको दो मुख्यमंत्री मिले और दोनों दुर्बल, क्योंकि रिमोट कंट्रोल चल रहा है दिल्ली से। जो जो इनके पास गया उन्होंने उसको कमजोर किया। एजीपी के साथ गठबंधन किया, असम का हाथी था उसको एक भीगी बिल्ली बना दिया।